सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाऊंगा किस तरह में आप DSLR का तरह पिक्चर तुल सकता है आपको मोबाइल से। आपको एक नॉर्मल सा मोबाइल है लेकिन वहां पर नॉर्मल कैमरा से अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपको एक नॉर्मल मोबाइल से अच्छा पिक्चर आ जाएगा। ऐसे एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का हम बात कर रही है, वो एप्लीकेशन है जिसका मदद से आप एक नॉर्मल कैमरा से बहुत ही ज्यादा DSLR का तरह पिक्चर खींच सकता है। दोस्तों आपको पूरा देखना है वीडियो, क्योंकि वीडियो का अंदर पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस एप्लीकेशन का मदद से आप DSLR का तरह पिक्चर खींच सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों DSLR का तरह पिक लेने के लिए सबसे पहले हम आपको दिखाऊंगा नॉर्मल कैमरे से पिक लेने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है और DSLR कैमरे से पिक लेने से कैसे पिक्चर आपको आ गया। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर नॉर्मल से कैमरा है जो नाइट में शूट कर रहा है, इसलिए ऐसे क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी ही आ रहा, तो नॉर्मल कैमरे से आपको लो क्वालिटी ही आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर हम चालू करा DSLR कैमरा, एक ही मोबाइल से DSLR कैमरा ओपन किया। दोस्तों देखो DSLR कैमरा ओपन करने के बाद जो पिक्चर आ रहा है बहुत ही अमेजिंग पिक्चर आ रहा है, जो कि बहुत ही HD पिक्चर, मतलब वो नॉर्मल कैमरा कितना लो पिक्चर आ रहा है, HD क्वालिटी पिक्चर कैसे आ रहा आपको देखना है। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ से एक पिक्चर ले रहा नॉर्मल कैमरे से और एक पिक्चर लूंगा, लेने के बाद आपको दिखाऊंगा दोनों का डिफरेंस क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो नॉर्मल कैमरा यहाँ से एक पिक्चर हम खींच ले रहा, पिक्चर लेने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया जो नॉर्मल कैमरे का जो पिक्चर है, वो नॉर्मल कैमरे का जो पिक्चर है वो आ गया। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो जो मेरा फोटो का क्वालिटी देख सकता, और अभी देखो जो हम HD DSLR का कैमरा से पिक्चर लिया तो उसको क्वालिटी देखो। दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको दोनों का डिफरेंस पता हो जाएगा। तो आपको ये जो कैमरा एप्लीकेशन है वो कहाँ पर मिलेगा वो भी बताऊंगा, वीडियो का अंत तक देखना। दोस्तों यहाँ पर देखो DSLR वाला जो बटन, इसके ऊपर कर देने क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो जो आपको पिक्चर है वो कुछ देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर DSLR का जो इफेक्ट है 50% रहेगा, इसको 100% ही तक कर सकता है, लेकिन ये 80% आपको मेंटेन करना है, यहाँ से एडजस्ट कर लेना कितना आपको फेस का ऊपर वैल्यू कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 100% कर दिया। करने के बाद यहाँ पर ओके वाला जो बटन है इसको ऊपर कर देना क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको जो पिक्चर है वो DSLR का इफेक्ट ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पर देखो सेव वाला बटन है, इसके ऊपर आपको एक बार ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर जो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये बार देखो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोनों पिक्चर, जहाँ नॉर्मल कैमरा से लिया और ये देखो DSLR का तरह पिक्चर लिया। ये नाइट में शूट किया इसलिए क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आया, लेकिन डे में शूट करा था और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, कुछ सेटिंग आपको करने DSLR का तरह पिक लेने के लिए। DSLR एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो एक फिल्टर वाला बटन मिल जाएगा, ठीक है, इस फिल्टर वाला बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नॉर्मल से रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, तो इसको कर देना क्लीन। दोस्तों यहाँ पर देखो क्लीन वाला जो बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो क्लीन का रेशियो है यहाँ पर 50% रहेगा, तो आपको यहाँ पर 100% कर सकता, और नहीं तो आपको यहाँ से 80% कर दो। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। टास्क करने के बाद जो आपको पिक्चर है वो तो HD क्वालिटी का ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो सेटिंग और भी है, यहाँ पर देख सकता है ब्यूटी, जो कि बहुत ही बढ़िया फेस आपको क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर देखो लिप कलर है बहुत ही IR है, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर मेकअप कर सकता है, ब्यूटी दे सकता है। तो दोस्तों हम और ज़्यादा नहीं करूँगा, तो हम एक पिक्चर आपको लेके दिखा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पिक्चर सेव हो गया, इसी तरह आपको DSLR कैमरे से पिक्चर कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और देखो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर जाओ और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक तो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा।